नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक आप कह सकते हैं ऐसे एक ऐसी कंपनी की जो एक समय में रिटेल निवेशकों के बहुत आप कह सकते हैं जबरदस्त रिटर्न देने वाली कंपनी बनी थी और एक बहुत ही हॉट फेवरेट कंपनी थी ये रिटेल निवेशकों की, ठीक है। और जो ये काम करती दोस्तों, ये मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करती है ये कंपनी टेलीकॉम सेक्टर्स की, उन्हें डिवाइस प्रोवाइड करने के। और जिस तरह से लगातार बस बढ़ रहा है 5G ट्रांसफॉर्मेशन का और अन्य चीज़ों और टेलीकॉम रेवोल्यूशन का, ऐसे में ये स्टॉक निवेशकों को इतना ज़्यादा पसंद है दोस्तों जिसकी कोई सीमा नहीं है। और ऐसे में इस स्टॉक में आप जो कह सकते हैं जो तेजी की बात है उसमें और भी ज़्यादा आप कह सकते हैं आग में घी डालने का काम करने वाला है जो ये दो खबरें निकल के आ रही हैं कि इस कंपनी को जो आप कह सकते हैं रिजल्ट मिला हुआ है दोस्तों, जो आप कह सकते हैं जो ऑर्डर मिले हुए हैं, और ऑर्डर कोई छोटे मोटे ऑर्डर नहीं है, प्लस जिन दो कंपनी से इनको मिले हैं वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने लायक है। और ये जो खबर है दोस्तों, आज भले इसका असर आपको स्टॉक में ना देखने मिला हो, रीज़न आपको पता होगा बाजार में बहुत ज़्यादा वीकनेस है दोस्तों, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये जो आप कह सकते हैं जो खबर है ये प्राइस इन जरूर करेगी। और यदि थोड़ी गिरावट भी होती है तो मुझे लगता है वो निवेशकों के लिए एक बहुत ही शानदार मौका होगी फॉर इन्वेस्टमेंट दोस्तों। स्टॉक आपके रडार में जरूर होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस करूंगा कौन से कह लीजिए बहुत मेजर सपोर्ट है, कहां स्टॉक को एक बड़ी तेजी के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस रखा हुआ है, इन तमाम चीजों में चर्चा होगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए HFCL लिमिटेड, ठीक है, और आज लगभग फ्लैट सस का देखिए रिजल्ट रहा है। इतनी नेगेटिव मार्केट के बावजूद भी इसने अपनी कह लीजिए पॉजिटिविटी सस्टेन रखी, ये अपने आप में बड़ी न्यूज है। अब बात करता हूं आखिर वो न्यूज क्या है। देखिए कंपनी को जो है वो दो बड़ी कंपनी से आप कह लीजिए दो बड़ी कंपनी से इन्हें ऑर्डर मिले हैं। पहला है दोस्तों सरकारी कंपनी BSNL, ठीक है, दूसरा है एक और सरकारी कंपनी रेलटेल, ठीक है, रेलटेल से इन्हें जो है ऑर्डर मिले हुए दोस्तों। और इस ऑर्डर्स में BSNL का जो हिस्सा है दोस्तों 340 करोड़ है और जो रेलटेल का हिस्सा है वो आप कह सकते हैं लगभग 107 करोड़ है, ठीक है। और आप देखें जो ये पूरा है प्राइस को मिलाएंगे तो लगभग इन दोनों की जो प्राइसिंग होती है दोस्तों वो आपको निकल के मिलेगी 447.8 करोड़ रुपीस के ऑर्डर नंबर के आसपास, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं मोर अप्रॉक्सीमेटली 450 करोड़ रुपए का ऑर्डर इन कंपनी के पास इस कंपनी के पास आ चुका है। और ये मैं कहूँगा बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है दोस्तों, ठीक है। और यही इस न्यूज़ की कह लीजिए कारण था कि आज बाजार जब इतना निगेटिव रहा और आपके लिए गिरावट स्टॉक बाजारों में रहते रही, लेकिन इस स्टॉक ने उतनी गिरावट आप कह सकते हैं गिरावट ना दिखाते हुए पॉजिटिव नोट में बंद हुआ, भले मैं मानता हूं कि ये पॉजिटिव लगभग फ्लैटिश थी। और यदि अगर मैं आपको बताऊं तो मिड कैप ने आज बड़ी पॉजिटिविटी दिखाई दोस्तों, पूरे बाजार में गिरावट थी लेकिन मिड कैप स्टॉक्स ने कह लीजिए बाजार को संभाल के रखा, ठीक है। और अब आप देखना ये है कि इस स्टॉक में आगे क्या होगा। देखिए स्टॉक में आगे जो भी हो मैं आपको जरा एक साल का रिटर्न दिखाता हूँ। आप देखें ये स्टॉक पिछले एक साल में लगभग जहां था ना वहीं है दोस्तों, और उसमें भी आप देखिए जो एक रेंज बाउंड में काम कर रहा है दोस्तों। देखिए आप अगर देखेंगे तो एक ये रेंज बाउंड देखिए, ठीक है, और उसके बाद एक ये रेंज बाउंड देखिए ये, और ये रेंज कहां से अगर अपर में देखूं 96, नीचे जाएंगे 55। और जो ये रेंज है ना दोस्तों यही एक बहुत मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ऊपरी स्तरों में 95, ठीक है, इससे पहले अगर मैं बात करूं आपसे तो वो है 85। ये जो दो है ना दोस्तों ये HFCL के लिए बहुत ह्यूज रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए मुझे लगता है HFCL को बहुत बड़ी आप कह सकते हैं ब्रेकआउट की जरूरत है। लेकिन जिस दिन इसने 95 रुपीज के लेवल को तोड़ दिया और ऊपरी स्तरों पर गया, मुझे लगता है एक बड़ी रैली एक बड़ी तेजी आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। लेकिन समझिए एक चीज को कि जो HFCL है ना दोस्तों ये कुछ स्तरों में मुझे लगता है थोड़ी गिरावट दिखा सकता है, लेकिन
निचले स्तरों पर अगर बात करें करंट तो इमीडिएट इफेक्ट की बात करेंगे, आप सबको पता है 75 सबसे पहला है, उसके बाद बिटवीन 68 to 72, और ये जो 4 रुपए है मुझे लगता है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि ये 68 को बहुत ही बड़े लेवल्स में तोड़ देता है दोस्तों, देन नेक्स्ट जो लेवल्स हैं आपको सीधा नीचे स्तरों पे 63 to 65 देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर बाजार में कोई बहुत बड़ी गिरावट आती है दोस्तों, तो मुझे लगता है किसी हाल में अगर स्टॉक आपको 55 रुपए के आसपास मिल जाता है, जो कि देखिए स्टॉक मार्केट तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझे एकदम हाईली अनलाइकली सिनेरियो ये लगता है कि ये स्टॉक आपको 50-55 के आसपास मिलेगा। लेकिन यदि मिलता है लपक लीजिएगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक इन स्तरों में गोल्ड माइन हो सकता है, ठीक है। तो आने वाले समय में हमें देखना ये होगा कि बाजार किस ओर करवट लेता है और किस ओर लेके जाता है। तो ये जो खबर है दोस्तों, मुझे लगता है आपको थोड़े हद तक स्टॉक प्राइस में थोड़ी तेजी एटलीस्ट 10-12% की रिटर्न आपको दे सकती है, लेकिन 75 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के जरूर रखिएगा दोस्तों। तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।